स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। ये नाश्ता जितना ज्यादा टेस्टी है उससे ज्यादा ये हेल्दी है, और इसे हम बनाएंगे किचन की बेसिक चीजों के साथ। जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको, आपके किचन में मिल जाएगी। तो चलिए इस मजेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का आलू लिया है जो हमने कच्चा लिया है। वेट नहीं है, मुश्किल से 150 ग्राम है। अगर आपका आलू बड़ा है तो आप सिर्फ 1 लेना। अब इस आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है इसे बहुत ही आसानी से छिल जाता है। किस किस के पास है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आप आलू इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई और सब्जी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। तो फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे हम फटाफट आलू को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को छील लिया, 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे, फिर हमको इस तरह से इसको 20 से डिवाइड करना है। तो दोनों आलू को पहले हम 20 से डिवाइड कर लेंगे, फिर इसके बाद हमें इस तरह से इसको 3 को साइड में रख देना है और 1 के साथ काम करना है। यहाँ पे आप लोग केयरफुली के देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको 1-1 इंच की दूरी पर कट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है। ये देखिए, तो जैसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आप कट करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस रेसिपी में। तो यहाँ पे देखिए आलू को इस तरीके से मैंने इतना मोटा मोटा कट किया 1-1 इंच की दूरी पे। तो चलिए फटाफट आलू को हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे आलू को मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। अब इसको कट करने के बाद तुरंत हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप इसे नॉर्मल पानी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पानी में डालने का कारण ये है कि आलू वैसे बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप जब इसको पानी में डाल देंगे तो ये काला नहीं होगा। और दूसरा इसका फायदा होगा कि हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि हम इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे। अब आलू को हम 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए, और स्टार्च निकालना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद फिर लेकर आते हैं। ये पानी आप वेस्ट मत करना, आप इसको पौधों में डाल देना तो यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम दूसरा बर्तन ले लेंगे, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है हमारा, 150 ग्राम है और नाप में 1 कप है। आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो चीज़ें मैं जितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रही हूँ उतनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। फिर 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल कितना जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम 3 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखें। अगर मुट्ठी बांधने पे बंद रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट पड़ा है इसके अंदर ऑयल। अगर नहीं बंद रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालना है, तो आप इसमें घी और बटर या फिर रिफाइंड जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सरसों का तेल मत डालना डियर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें ना पत्थर जैसा हार्ड लगाना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो इसीलिए एक साथ पानी डालने की गलती मत करना। हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से इस तरीके से मसलते हुए बिल्कुल अच्छे से बांध लेना है। इसे हमें नॉर्मल आटे की तरह गूंदना नहीं है, क्योंकि इस रेसिपी में अगर आप गूंदेंगे तो आटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें हल्का सा हार्ड चाहिए, जैसे हम रोटी चपाती के लिए बनाते हैं उससे हल्का सा हार्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए पूरा आटे को मैंने इस तरह से सिमेट दिया है, यानी बांध दिया है, और अब इसको हम गूंदेंगे नहीं, इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे, इसे साइड में रख देंगे डियर। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि आटा आपको इस तरीके से मोड़ के छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, कवर करके
खुला मत रखना, नहीं तो ऊपर से ड्राई हो जाएगा, या फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और एक चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग। हींग जरूर डालनी है, ये नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ पचाने का काम करती है। फिर इसके बाद हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट करके लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ग्रीन चिली नहीं खा पाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज। तो अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी इस रेसिपी को बनाया जा सकता है। अगर खाते हैं तो ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा। तो प्याज को हमें हल्का सा बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर आने तक पका लेना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, लेकिन प्याज का कच्चापन अच्छे से दूर करना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में प्याज हमारी बिल्कुल लाइट सी पिंक हो गई है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे मैं देसी टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे वो जो फार्मी वाला टमाटर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ले रहे हैं तो आप 2 लेना, क्योंकि वो कम खट्टे होते हैं। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर को स्किप कर सकते हैं। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो जितना भी नमक हमें डालना है इसी के अंदर डालना है। फिर इसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच तक। फिर इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। फिर इसके बाद हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। तो सारे मसालों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पे हमें सब्जियों को गलाना नहीं है ज़्यादा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना आलू, जो हमने इस तरीके से कट करके लिया था। अब गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे आलू को अच्छे से 10 से 15 सेकंड भूनेंगे। भूनने से क्या होगा, इसमें से स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से 10 से 15 सेकंड हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब जो गैस का फ्लेम है वो हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 गिलास पानी, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे बिना कवर किए से 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो 2 मिनट में आप देखेंगे आलू अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से लंबा लंबा कट करके लिया है। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, जब चाहे आप बना के बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो जब तक ये 2 मिनट पक रहा है तब तक हम इसको साइड में रख देंगे। गैस का जो फ्लेम है वो हमें हाई ही रखना है, लो फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो आलू हमारे बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, उतना हमें नहीं गलाना है। तो हम इसको 2 मिनट के बाद चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम कर लेते हैं, इसे साइड में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी को भी डाल सकते हैं। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मेरा होममेड है। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, बस 1 से 2 बूंद। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जिसे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, बस ज़्यादा नहीं डालना है, कोई भी गरम मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, तो बस 1 चुटकी हींग गई। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हरा धनिया ना हो।
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे ले लेंगे हम पानी, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो हमें बैटर बनाना है वो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, तो इसीलिए हमें एक साथ पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, तो टोटल मैंने एक गिलास का आधा पानी इस्तेमाल कर लिया है, आधा पानी हमारा बच गया है और इस तरीके से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा बिल्कुल पतला सा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अभी इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, तो मुझे तो कोई जल्दबाजी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे हेल्दी तरीके से बनाऊँगी, कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। 2 मिनट का रेस्ट लूँगी, तब तक दूसरा काम करूँगी, इसे साइड में रख दूँगी। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 5 स्लाइस लिया है व्हाइट ब्रेड का, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 5 पीस इसीलिए लिया है क्योंकि मेरा लार्ज वाला है, अगर आपका स्मॉल वाला है तो आप 10 पीस ले सकते हैं। यहाँ पे इस रेसिपी में ब्रेड का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ले लेना है। और अब इसको हम इस तरह से रख के कट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कटोरी का इस्तेमाल किया है धारदार, आप चाहे तो गिलास से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया गोल मिल गया है, और ये जो है ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके से हम 5 ब्रेड को कट कर लेंगे। अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप ब्रेड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो बिना ब्रेड के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम फटाफट कट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, जो हमारा बचा था किनारे वाला हिस्सा उसको हम इस तरीके से तोड़ के मिक्सी जार में डाल देंगे, और इसी में हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और एक चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और अब इसके अंदर में कुछ नहीं डालना है, इसको कवर करके हम 1 से 2 बार मिक्सी को चला कर रोक देंगे, तो ये दरदरा सा पीस जाएगा। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, ब्रेड हमारी बिल्कुल फ्रेश वाली थी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको दरदरा रखा है, 1 से 2 बार मिक्सी को चला कर रोक देंगे तो इस तरीके से दरदरा हो जाएगा। अब चलिए अपने आलू को चेक कर लेते हैं, जिसको हमने पकने के लिए रखा था। 2 से 3 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, यहाँ पे देखिए जो इसका पानी था वो शुष्क हो चुका है। अब यहाँ पे हम मैशर ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको मैश करेंगे, तो मैश करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना था, इस तरह से हमें हल्का सा इसको मोटा मोटा रखना है, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा हमारी रेसिपी में। इसीलिए मैंने बोला था कि आलू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है कि इसका भरता ही तैयार हो जाए। इस तरीके से देखिए आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और आगे भी ये बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसका कर लिया है। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो धनिया डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड मैंने कुक कर लिया है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चख लिया है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा बन चुका है चटपटा सा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है साइड में, तो इसको भी हम इस तरीके से मैश कर देंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा मोटा मोटा इसको मैश कर देना है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रखे हुए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। रेस्ट पर रखने के बाद इस तरीके से आटे का टेक्सचर हो जाता है। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड मथ लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से चकले पर ले लेंगे, और यहाँ पे इसको रखने के बाद थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे और आगे से पीछे करेंगे, इससे आटे में जो लेयर होगी वो निकल जाएगी। और दूसरी बात, आटा हमारा बहुत ही ज़्यादा लचीला हो जाएगा और जो रेसिपी बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से हमने 10 से 15 सेकंड मसल लिया है और अब हम आटे को इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड कर देंगे बराबर से। 2 भाग को हम साइड में रख देंगे कवर करके ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो, और 1 भाग को इस तरीके से लेके 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब रेसिपी बनाते हैं तब तक तो कुरकुरी रहती है, जब तक गरम गरम रहती है, जैसे ही ठंडी हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है। उसका कारण ये है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं, अब थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सूखा आटा डाल देंगे ताकि बिल्कुल भी चिपके ना,
और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा। जैसे हम रोटी और चपाती की थिकनेस रखते हैं उसी तरीके से रखेंगे। और आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसे कैसे बनाऊँगी ये मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको वो शेप जरा भी पसंद है तो प्लीज़ उसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको चपाती के बराबर यानी रोटी के बराबर इसकी थिकनेस रखी है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं किया है। अब यहाँ पे अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसमें ग्रीन चटनी, सेजवान चटनी, मोमोज चटनी कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें चटनी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है और किनारों को छोड़ के लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है बीचों बीच में। और यहाँ पर जो हमारा आलू था, देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे हम बीचों बीच में रखेंगे और इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। तो सॉस लगाने से दो फायदे होंगे, एक तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको सेट कर लेना है फोर एंगल में। अगर आप चाहें तो इसको गोल ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, इसीलिए मैं इसको इस शेप पर बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे जो हमने घोल रेडी किया था, देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। यहाँ पे हम इसकी साइडों में घोल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो आलू है वो हमें साइडों से बचा के रखना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर घोल लगाना है। तो घोल आप अच्छे से लगाएंगे तो रेसिपी बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएगी, और जब आप इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। अब यहाँ पे हम इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, हल्का सा इसको चपटा कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको उठा के इस तरह से कर देंगे। फिर ये वाला जो भाग है ये हम इसको इस तरीके से करेंगे, और ये वाले भाग को उठा के हम इस तरीके से इसकी पॉकेट रेडी कर लेंगे। इसको केयरफुली उठा के इस तरीके से हमें हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से देखिए, आप बना के इसे फ्रिज में भी हवा बंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं। इसमें जो आलू की स्टफिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और चारों तरफ फैलती है। अब चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। तो कढ़ाई या पैन जो भी लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए। अब जो ये वाला भाग होता है जिसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया है, उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसको डाल के हमें गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट तक पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे आपको इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। अगर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली बनेगा। तो जो टिप एंड ट्रिक दे रहे हैं उसे फॉलो करेंगे तो आपका रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो बिना टच किए हुए 2 मिनट पकने देंगे, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया, इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगा है। अब इस तरीके से हम इसको चिमटे से पलट देंगे। देखिए कितना ज़रा खूबसूरत कलर आया है, कितना ज़रा क्रिस्पी लग रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। चलिए इसको निकाल कर देख लेते हैं इस तरीके से पलट के। पहले ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से फूला फूला बना है। हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया था, तब भी ये फूला फूला बना है। और इस तरीके से छन्ने में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और फूला फूला बनेगा। अगर आप आटे को रेस्ट देंगे तो आटे को रेस्ट देने के बाद इस तरीके से आपका भी बनेगा, अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो जब तक ये बन रहा था तब तक मैंने क्या किया था, मैंने दूसरा ही बना लिया था। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब हम सेम पहले वाले की तरह बाकी बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है हमारा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में ज़रा क्रिस्पी है, बहुत ही ज़रा सॉफ्ट और खस्ता बना है। ये देखिए लेयर आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार आई है, और स्टफिंग हमारी कितनी बढ़िया तरीके से है, और लेयर देखिए कितनी ज़्यादा पतली है। अगर आप मोटी लेयर लगाएंगे यानी पराठा जो है मोटा बेलेंगे तो वो जो है खाने में खस्ता और कुरकुरा नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको रखना है जैसे आप रोटी और चपाती के लिए रखते हैं। और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। और इसे मैंने सर्व किया है
यहाँ पे केचप के साथ जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब आपका दिल करे आप निकाल के बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो मज़ेदार से इस रेसिपी को आप कितने नंबर देंगे 10 में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा जल रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन रहा है और इतना ज़्यादा खस्ता है। यहाँ पर देखिए स्टफिंग बिल्कुल बराबर से फिल होती है, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। ये देखिए मेरे हाथ जलने मेरे, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अब मज़ेदार रेसिपी। इसके सामने आप समोसा क्या, कचौड़ी का, पिज़्ज़ा भी भूल जाएंगे अगर आप इसमें चीज़ डाल देते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ब्रेड जो हमारी थी, यहाँ पे जो हमारा घोल रेडी था उसको हम इस तरीके से मिला लेंगे क्योंकि नीचे बैठ जाता है चावल का आटा। अब यहाँ पे हम इसको लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे 10 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। फिर इसको हम इस तरीके से ब्रेड गम के ऊपर रख लेंगे और सूखे हाथों से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये जो घोल में हमें सिर्फ इसको 10 से 15 सेकेंड रखना है और निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए तो सारे ही हमारे इसी तरीके से हम कोट करेंगे, एक बार इस तरीके से घोल में डालेंगे, फिर इसको ब्रेड क्रम के ऊपर डालेंगे और इस तरीके से सूखे हाथों से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। फिर इसको हम आपको बहुत ही प्यारा सा शेप देना बताएंगे, जिस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए सारे इसी तरीके से कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने सारा कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे इस तरीके से ट्यूब से और इसको इस तरीके से लेने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेड को ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे हल्का सा और इसके बीचों बीच में इस तरीके से इसको डाल देंगे। ये देखिए अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके बिना ही बना सकते हैं, आप इसको सिंपल तरीके से गोल भी रख सकते हैं। तो ये तरीका हम इसलिए कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और बच्चों को थोड़ा सा यूनिक बना के देंगे तो पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से रेडी कर लिया, अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे देखिए तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब अपने तैयार नाश्ते को इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे हमें इसको डाल देना है और फिर इसके बाद हमें इसको 2 मिनट तक पकने देना है। 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये रेसिपी जितनी ज़्यादा बनाने में आसान है खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद ही डालना है। और जब आपका तेल गर्म हो जाए तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाइए। जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इसको क्रिस्पी होने में क्योंकि ब्रेड को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको चिमटे से पलट देंगे। तो चिमटे से आप पलटेंगे तो आपको पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं पलट रही हूँ और इस तरीके से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। बहुत ही नए टेस्ट का रास्ता है और बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे छन्ने में ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। और ये जितना ज़्यादा बनाने में आसान है खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा बनकर रेडी होता है। तो आप इसे बच्चों की पार्टी में भी बना सकते हैं, जब भी आपके बच्चे का बर्थडे हो तो आप इस तरीके से बना के फैमिली वालों का और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो इस तरीके से 10 सेकेंड रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। अब चलिए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको निकाल कर हल्का सा ठंडा कर लिया है और यहाँ पे इसमें जो बीच में मैंने लगाया था उसको निकाल दिया है। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर अपना चटपटा आलू भरेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आलू भरना है और आप इसमें चीज़ भी भर सकते हैं। और इस तरीके से भरने के बाद अब यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ा सा केचप लगाएंगे जो हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए और इस तरीके से लगा लेंगे और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में इस तरीके से देंगे तो बच्चे तो इसे खुशी से खा के आएंगे और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। अब इसको सुंदर सा लुक देने के लिए मैं क्या करूँगी आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड इसको सुंदर सा लुक देने के लिए मैंने थोड़ी सी आलू भुंजिया लिया है और इस तरीके से आलू भुंजिए को इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए इससे बहुत ही सुंदर सा लुक आ जाएगा। अगर आपके पास आलू भुंजिया ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है खाने में और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए फटाफट सारे रेडी कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और बच्चे इसके सामने पिज़्ज़ा और बर्गर को भूल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ, ये मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर आपको ये रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एक बार इस रेसिपी को बना के एंजॉय करना। आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है, क्रिस्पी बना है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।